नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास, 100 करोड़ की गुल्लक। इस उपन्यास की पिछली कहानी जानने के लिए विमल सीरीज का उपन्यास अल्टीमेटम ज़रूर देखें, जो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड है। अब आगे। शुक्रवार 3 मार्च मुंबई, सुबह 11 बजे मोगे कंपनी के हेडक्वार्टर होटल सी व्यू पहुँचा। बिलमोरिया उस वक्त अपनी रोज़मर्रा की रूटीन के तौर पर गजरे के ऑफिस में उसके सामने बैठा हुआ था। गजरे ने तत्काल मोगे को तलब किया और बैठने के लिए कुर्सी पेश की, जिस पर बहुत झिझकता हुआ मोगे बैठ गया। मोगे, गजरे बोला, मैं बयान नहीं कर सकता कि तुझे वापस आया पाकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। शुक्र है कि तू सलामत है, वरना अपनी तरफ से तो मैंने तेरा अर्थी मुर्दा कलश हो गया जान ही लिया हुआ था। खैर, ले सिगार पी। मोगे ने झिझकते हुए अपनी तरफ बढ़ाए गए डिब्बे में से एक सिगार उठा लिया, लेकिन उसे सुलगाने की कोशिश न की, ना ही गजरे ने उस तरफ तवज्जो दी। अब बोल, गजरे बोला, कहाँ गायब हो गया था, कैसे गायब हो गया था? मोगे ने बताया कि कैसे कोई नामालूम शख्स उसकी गैर हाजिरी में उसके घर पहुँचा था और उसकी बेटी को चेता के गया था कि अगर वो मोगे को फौरन कहीं कूच कर जाने के लिए मजबूर नहीं करेगी तो उसके सिर से उसके बाप का साया उठ जाएगा। उसने 2 लाख की रकम का कोई जिक्र ना किया। कौन था वो शख्स? गजरे बोला। पता नहीं, मोगे बोला, मैंने तो उसे देखा नहीं था। तेरी बेटी ने तो देखा था, उससे पूछा होता? मैंने खूब पूछा था, लेकिन वो छोटी है, नादान है, सिवाय इसके कुछ नहीं बता सकी थी कि वो कोई बूढ़ा आदमी था जो कि हकला के बोलता था। बूढ़ा आदमी था? गजरे सकपकाया, हकला के बोलता था, ये कौन हुआ? पता नहीं, ऐसे शख्स को तेरा क्या मीठा था जो उसने तुझे निश्चित मौत से बचाया? जी, अखबार नहीं पढ़ता? पढ़ता हूँ। फिर तो बापट की करतूत का तुझे अंदाजा होना चाहिए, जिसे कि मौत की सजा मिल भी चुकी है। मोगे बापट ने सोहल के साथ मिलकर डिस्टिलरी के उस वॉल्ट का कैश लूटा था जो कि वहाँ तेरे ऑफिस में फिट है। वो इसे तेरी करतूत जताना चाहता था, इसलिए तेरा गायब होना ज़रूरी था। और ऐसा पक्का गायब तो तभी हो सकता था जबकि तेरा कत्ल करके तेरी लाश ठिकाने लगा दी गई होती। ओह, अब तूने एक नई गुंडी पैदा कर दी। किसी हकले बूढ़े आदमी का तो बापट ने कोई जिक्र नहीं किया था। बापट उसे नहीं जानता था? बापट को वो नहीं जानता था तो वो बापट की स्कीम से कैसे वाकिफ था? ये भी ठीक है, ज़रूर वो सोहल था, बिलमोरिया बोला। बहुरूप धारण करने में महारत तो उसे हासिल है ही, मोगे की बेटी के लिए वो हकला बूढ़ा बन गया होगा। खामखा, गजरे बोला, वो अपनी असली शक्ल में भी मोगे के घर पहुंचता तो क्या इसकी बेटी उसे पहचान जाती? फिर क्या माजरा है? यही तो समझ नहीं आ रहा। जिस तस्वीर के हम सारे रुख पहचान चुके हैं उसमें ये एक नया किरदार कहां से पैदा हो गया? मोगे, तू वापस कैसे लौटा? तुझे कैसे सूझा कि तेरे सिर से मौत का साया टल चुका था? क्या फिर उसी बूढ़े हकले ने कोई पैगाम भिजवाया? जी नहीं। यानी कि वो खुद आया? जी नहीं। तो तुझे इल्हाम हुआ कि अब तेरा वापस लौटना सेफ था? वो बात नहीं थी सर, वो क्या है कि अखबार में जैसे बापट को किले की दीवार से दुर्घटनावश गिरकर मरा बताया गया था और खेत में डॉलरों की बरसात की जो अनोखी खबर अखबार में छपी थी, उससे मुझे असलियत का कुछ कुछ अंदाजा हो गया था। मुझे लगा कि जिससे मुझे जान का खतरा था जब वो ही नहीं रहा तो मैं वापस लौट सकता था। फिर असली चिंता तो मुझे अपनी बेटी की थी और गणपति की कृपा से मेरी वो चिंता भी दूर हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं लौटना अफोर्ड कर सकता था। बेटी की चिंता कैसे दूर हो गई? मैंने उसकी शादी कर दी है। कब, कहाँ? सोमवार को, नासिक में। डिस्टिलरी में तो हर कोई तुझे रुपये पैसे की किल्लत बता रहा था और ये बता रहा था कि इसी वजह से तो लड़की की शादी नहीं कर पा रहा था। ये बात तो सच नहीं है सर, बेटी के तो पैदा होते ही माँ बाप उसके दान दहेज के जुगाड़ में लग जाते हैं। मोगे, तेरी बेटी अपाहिज थी, उसकी शादी आम खर्चों से तो नहीं होने वाली थी। अपाहिज लड़की से शादी कोई करता है तो पैसे के लालच में ही करता है। सर, गणपति की अनुकंपा है कि मेरे देवता स्वरूप दामाद ने ऐसा कोई लालच नहीं किया था। कमाल है, आजकल का छोकरा और राज्य से चलने फिरने से लाचार लड़की से शादी करने को तैयार हो गया। सर, पांचों उंगलियां
बराबर नहीं होती। अब ज्ञान ध्यान की बातें तो तू रहने दे मोघे, अपनी नौकरी से तेरी निष्ठा पहले से स्थापित न होती। क्लब 29 वाला हादसा मुझे आज भी याद न होता, मैं पहले से कंपनी के लिए तेरी वफादारी का कायल न होता तो मैं तेरी बात पर रत्ती भर विश्वास न करता। लेकिन तेरे जैसे आजमाए परखे शख्स की बात पर विश्वास ना करना तेरे साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए बहरहाल बेटी की ब्याह की बधाई कबूल कर। थैंक यू सर, और कंपनी की तरफ से शगुन के तौर पर अपनी तनख्वाह में 25% की इजाफा हो गया जान। थैंक यू वेरी मच सर, अब वापस पहुंच अपनी नौकरी पर। यस सर। साहब लोगों का बार बार अभिवादन करता मोघे वहां से रुखसत हुआ। ऐसा था विमल के व्यक्तित्व का जादू कि मोघे जैसा निष्ठावान आदमी भी उसकी सलामती के लिए अपने मालिकान से झूठ बोलने को तैयार हो गया था। दीन के हित लड़ने वाले सूरमा सोहल की ये ऐसी कमाई थी जिससे कंपनी कभी पार नहीं पा सकती थी। ऐसी ताकत थी जिसकी ठीक से अंदाजा तक कंपनी को नहीं था। अंधी ताकत के अहंकार में कंपनी के किसी बड़े बाप को कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि जो खौफ खा के सलाम करता था वो हमेशा पीठ पीछे गाली देता था, नफरत करता था और दुश्मन का दोस्त बन के एक तरीके से जाबर के जुल्म का बदला उतारता था। पीछे गजरे कुछ क्षण सिगार की कश लगाता रहा और फिर बोला, कालिया के मुंबई में कितने ठिए हैं जिनकी हमें खबर है? मेरे ख्याल से तो सबकी खबर है, बिलमोरिया बोला। एक तो ग्रांड रोड की एक इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल के दो फ्लैट ही हैं जो कि भीतर से आपस में जुड़े हुए हैं, और जहां इकबाल सिंह की कालिया से मुलाकात हुई थी जिसमें वो दोनों ही सोहल के हाथों मारे जाने से बाल बाल बचे थे। मलाड में एक एयर कंडीशन फ्लैट है जो कभी कालिया की वैभवी नाम की एक बाई के हवाले था। फिर भिंडी बाजार में एक ट्रेवल एजेंसी है, वो भी कालिया का ठिया बताई जाती है। एक फ्लैट खार में है जो पिछले एक साल से ज़्यादा से तो बंद है ही, तब भी अमूमन बंद ही रहता था जबकि कालिया आजाद था। और फिर वो मरीन ड्राइव पर झावेरी टावर का फ्लैट नंबर 502 है जहाँ से कि वो भट्टी के साथ गिरफ्तार हुआ था। और तो मुझे मालूम नहीं, कालिया इन ठियों में से किसी पर हो सकता है? उसकी मजाल नहीं हो सकती उन ठियों पर कदम रखने की, पुलिस अब तक वहाँ छापे मार भी चुकी होगी, तू पता तो कर। गजरे साहब, जो मैंने कल कहा था वो फिर दोहराता हूँ, वो समझदार होगा तो अभी तक दुबई में बैठा चैन की बंसी बजा रहा होगा। अरे पता करने में क्या हर्ज है? गुस्ताखी माफ गजरे साहब, लेकिन आप पता करना क्यों चाहते हैं? हमने क्या लेना देना है कालिया से? आप क्या भूल गए हैं कि जब वो बाहर था तो कंपनी का दुश्मन था लेकिन कंपनी से दोस्ती का ख्वाहिशमंद था। इकबाल सिंह की तरफ उसने सुलह का हाथ बढ़ाया था। गिरफ्तार ना हो गया होता तो उसकी और हमारी कहानी और ही होती। गिरफ्तारी से पहले वो शख्स हेरोइन की स्मगलिंग में हमें करारी टक्कर दे रहा था। हमारे पक्के ग्राहक तक उसकी तरफ झुकने लगे थे, जैसे दिल्ली के मुख्तियार सिंह और मंजूर खान और यहाँ का अयूब पहलवान। वो कंपनी से दगाबाजी की सजा पा चुके हैं, तीनों जहन्नुम रसीद हो चुके हैं। अरे बिलमोरिया, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। क्या? आजकल कंपनी का हेरोइन का धंधा ठंडा है जिसकी वजह से कमाई आधी भी नहीं रही है। अगर कालिया हमारे साथ काम करना मंजूर करे तो वो गर्मा सकता है। बिलमोरिया मैं कहता हूँ, जब तक हमारी गज विलास फोर्ट वाली हेरोइन की फैक्ट्री बंद है तब तक कालिया से सिर्फ हेरोइन स्मगलिंग के मामले में गठजोड़ करने में कोई हर्ज नहीं है। बाद में जब हालात फिर हमारे काबू में आ जाएंगे तो 100 तरीके होंगे उसे दूध में से मक्की की तरह निकाल बाहर फेंकने के। बिलमोरिया सोचने लगा। उसके दुबई में जमे रहने की वजह से बाहरले मुल्कों में उसके कुछ खास कॉन्टेक्ट ऐसे हैं जो कि कंपनी के भी नहीं हैं। उससे गठजोड़ करके हम भी उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। गजरे साहब, ये कंपनी की कमजोरी उस पर उजागर करने जैसी बात होगी? नहीं होगी, हम उससे यूं बात करेंगे जैसे हम उसे कुछ दे रहे हों, उस पर कोई एहसान कर रहे हों, उसकी मौजूदा दुश्वारियों के चेहरे साया। ऐसा? हाँ, वो 13 महीनों से जेल में था, क्या अभी भी उसके ऐसे कॉन्टैक्ट्स बरकरार होंगे? उसकी हेरोइन के धंधे पर अभी भी पकड़ होगी? यही तो मालूम करना है। होगी तो मिल बैठ के कोई बात कर लेंगे, नहीं तो तू कौन मैं कौन। ठीक है,
मैं कालिया के ठिए टटोले जाने का इंतज़ाम करता हूँ, मैं अभी डोंगरे को। तभी फ़ोन की घंटी बजी। गजरे ने फ़ोन उठाया। क्या है, वो बोला। सर, दिव्या की आवाज़ आई, कोई इब्राहिम कालिया आपसे मिलना चाहते हैं। क्या, क्या नाम लिया? कालिया, इब्राहिम कालिया। कहाँ है, कहाँ है वो? नीचे लॉबी में बैठे हैं। तूने ठीक से सुना उसका नाम, इब्राहिम कालिया? यस सर। फ़ोन बंद कर। गजरे से रिसीवर किरनल पर पटका और भौचक्का सा बिलमोरिया का मुँह देखने लगा। क्या हुआ, बिलमोरिया बोला। कालिया की क्या बात थी? नीचे लॉबी में बैठा है, मेरे से मिलने आया है। सुनते ही गजरे सरी की हालत ही बिलमोरिया की भी हुई। जा, गजरे बोला, खुद जाके उसे यहाँ ले किया। मैं तब तक किलेकर और पिंगले को भी बुलाता हूँ, जल्दी जा, मैं सस्पेंस से मरा जा रहा हूँ। तत्काल बिलमोरिया उठकर दरवाजे की तरफ लपका। नई नकोर सफ़ेद मर्सिडीज कार, जिसे कि एक वर्दीधारी शोफर चला रहा था, पर सवार होकर इब्राहिम कालिया होटल सी व्यू पहुंचा। उस घड़ी वो मर्सिडीज जैसा ही चम चम सफ़ेद सूट और सफ़ेद हैट पहने था। आंखों पर वो नीली रंगत के अंडाकार शीशों वाला अत्याधुनिक धूप का चश्मा लगाए था। हाथी दांत के सिगरेट होल्डर में लगा एक सिगरेट उसके होठों में दबा हुआ था। उसकी खुद की सज धज किसी कदर भी कम नहीं थी, लेकिन फिर भी स्पेशल इफेक्ट मर्सिडीज कार का ही था, जिसकी वजह से उसके पैसेंजर के जेल से फरार मुजरिम होने की कोई कल्पना नहीं कर सकता था। मर्सिडीज शेष नारायण लोहिया नाम के एक प्रसिद्ध उद्योगपति की थी और वो सारी मुंबई के धनाढ्य वर्ग में बखूबी पहचानी जाती थी। 125 करोड़ रुपए कीमत की काली शीशों वाली कार को रोककर भीतर झांकने की ख्वाहिश किसी मामूली पुलिसिये की तो हो ही नहीं सकती थी, किसी खास पुलिसिये की भी नहीं हो सकती थी। जैसा कि अपेक्षित था, 2 दिन के आराम से ही कालिया उठकर अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य हो गया था। पिछली शाम को तब सबसे पहले उसने मराठा से कूच कर जाने की ही इच्छा व्यक्त की थी, जिसे सुनकर कि विमल ने चैन की 1 मील लंबी सांस ली थी। जिस शख्स को वो खुद मराठा में लेकर आया था, उसे खुद ही वहां से रुखसत हो जाने के लिए कहना कोई आसान काम नहीं था, जबकि इरफान द्वारा टोके जाने के बाद से ही ऐसा कहने के लिए वो अपना मन बना चुका था। कालिया की नई पनाहगाह मालाबार हिल पर स्थित लोहिया की कोठी थी, जिसका पता और टेलीफोन नंबर बताकर वो मराठा से रुखसत हुआ था। लोहिया जैसा धन कुबेर और बड़ा उद्योगपति क्यों कालिया पर इतना मेहरबान था, इसकी कहानी भी दिलचस्पी से खाली नहीं थी। लोहिया 55 के पेटे में था, लेकिन उस उम्र में भी उसकी औरत की तृष्णा ऐसी प्रबल थी जैसे कि वो कल जवान हुआ हो। उसकी उस तृष्णा पूर्ति का सामान रेशम वाला नाम का एक पारसी करता था, जो कि मुंबई की एक एक हाई प्राइज्ड कॉल गर्ल से जाती तौर से वाकिफ था, जो ऐसी लड़कियों की जिनमें से कोई भी उम्र में 25 साल से ज़्यादा नहीं थी और हर कोई ऐसी थी जैसा हाथ लगाए मैली होती हो, अपने पास बाकायदा एल्बम रखता था और जो मुंबई के कई नामचीन फिल्म स्टारों, प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों का भी सप्लायर था। एक बार मजाक में ही लोहिया ने रेशम वाला से कहा था कि भले ही उसका माल लाजवाब होता था, लेकिन फिर भी वो इस कदर उकता गया था कि उसकी तृष्णा पूर्ति के लिए वो दिल्ली, कलकत्ता और बंगलोर में कोई वहाँ का रेशम वाला ढूंढने की सोच रहा था। तब ताव खाकर रेशम वाला ने एक निहायत कमसिन गारंटी शुदा कुमारी कन्या की पेशकश की थी, लेकिन जिसकी कीमत उसने 125,000 रुपए इस आश्वासन के साथ मांगी थी कि उसकी कुमारी कन्या न निकलने की सूरत में 115,000 रुपए वो वापस करता। नॉवल्टी के तौर पर लोहिया ने वो ऑफर सहर्ष स्वीकार कर ली और उसे बरसोवा बीच पर स्थित अपने कॉटेज पर पहुंचा दिए जाने का आदेश दिया। वो कॉटेज बीच के एक तनहा हिस्से में था और उसके आसपास दूसरी कोई इमारत नहीं थी। वहां शाम को रेशम वाला खुद लड़की को पहुंचा कर गया। लड़की पर पहली निगाह पड़ते ही रंगीली राजा लोहिया की बाँछें खिल गई। उम्र में वो मुश्किल से 14 साल की थी और ऐसी कली के समान थी जो खिलकर फूल बस बनने ही वाली थी, जिसके जिस्म के उभारों ने परवान चढ़ना बस अभी शुरू ही किया था। उसकी रंगत गोरी थी, नया नक्श बहुत तीखे थे, कद लंबा था, काले बाल रेशम जैसे मुलायम थे और चमड़ी में साटन जैसी फिनिश थी। कमसिन लड़कियों से लोहिया का वास्ता पहले भी पड़ा था, लेकिन वो ऐसी थी जो अपनी कमसिनी में भी सब कुछ समझती थी
और अपने पेशे के लिहाज से पूरी पूरी दुनियादार थी और उसके साथ जो कुछ करती थी इस सोच के तहत करती थी कि उन्होंने ग्राहक के खर्चे पैसे का उसे मिला देना था। लेकिन वो ऐसी नहीं थी, वो तो एक अबोध बालिका थी जो इस ख्याल से ही आतंकित थी कि अपने संरक्षकों से दूर वो वहाँ अकेली थी। लोहिया उस पर निगाह डालता था तो वो पत्ते की तरह कांपती थी और अपने आप में सिकुड़ कर रह जाती थी। लोहिया के लिए भी वो महज एक आइटम थी जिस पर उसका 125,000 रुपया लगा हुआ था और जो रकम उसने मुकम्मल तौर से पूरी बेरहमी के साथ वसूलनी थी, पूरी बेरहमी के साथ। यही वो वहशी ख्याल था जो उसकी आइंदा दुश्वारी का बायस बना। लड़की के गुवारे जिस्म को एक बार छूते ही जैसे उस पर वहशत सवार हो गई, उसने बाज की तरह उसे दबोचा, नोचकर उसके जिस्म से उसके कपड़े अलग किए और उसकी आतंक भरी चीखों की परवाह किए बिना उसे अपने भारी भरकम जिस्म के नीचे दबोचकर उसके साथ अपनी मनमानी शुरू कर दी। हांफता हुआ वो लड़की पर से उठा तो लड़की के जिस्म में जरा भी हरकत न हुई। उससे फिर आनंदित होने की तैयारी में उसने उसे टहोका, हिलाया डुलाया तो तब भी वो पूर्वता निश्चेत पड़ी रही। तब एकाएक ये दहशतनाक एहसास उसे हुआ कि लड़की तो उसकी वहशी दरिंदगी की बलि चढ़ चुकी थी। वो तो शायद तब भी मरी पड़ी थी जबकि वो उसके साथ संभोगरत था। दोहिया के छक्के छूट गए। तमाम उम्र उसने नौजवान लड़कियों का भोग किया था लेकिन ऐसी स्थिति तो पहले कभी नहीं पैदा हुई थी। अब क्या करे वो, किसी को मदद के लिए बुलाए या खुद ही कुछ करे? खुद कुछ करे तो क्या करे, लाश गायब कर दे? क्या हर्ष था, रेशम वाला के अलावा किसी को लड़की की वहां मौजूदगी की खबर नहीं थी और रेशम वाला को खामोश रखा जा सकता था। उस ख्याल से उसे बहुत राहत महसूस हुई। वो कॉटेज के बाहर निकला और उसके इर्द गिर्द का चक्कर लगा के आया, कहीं कोई नहीं था। ऊपर से तब तक अंधेरा छा चुका था जो कि और भी अच्छा था। वो वापस कॉटेज में लौटा। वहां गैरेज में पड़े माली के औजारों में से उसने एक फावड़ा तलाश किया और उसकी सहायता से कॉटेज से कोई 1 किलोमीटर दूर पेड़ों के एक झुरमुट में एक गड्ढा खोदा। फिर उसने कॉटेज में वापस लौटकर लड़की को अपनी बाहों में उठाया और उसे ले जाकर कार में डाला। अभी थोड़ी देर पहले जिस अनछुए जिस्म के स्पर्श के ख्याल से उसकी उत्तेजना छुपाए नहीं छुपती थी, अब उसी जिस्म पर निगाह डालने से उसे उबकाई आ रही थी। वो कार को चलाकर खड्डे तक लेकर गया और फिर बिना उस पर निगाह डाले उसे कार में से घसीटकर उसने खड्डे में डाला। उसने खड्डे को पूर्वता भरा और ऊपर से रेत को यूं हमवार कर दिया कि करीब से देखने पर भी नहीं मालूम होता था कि वहां कुछ दफन किया गया था। उसकी उस हरकत के दौरान उस जगह के करीब तो क्या आसपास भी कोई आदमजात नहीं फटका था, जो कि उसकी खुशकिस्मती थी। खत्म। वो कॉटेज वापस लौटा जहाँ की खून के धब्बों के लिए उसने बारीकी से घटना स्थल का मुआयना किया और फिर खुद शावर बाथ लेकर नए कपड़े पहने। अपनी करतूत की तब तक की कामयाबी से दिलेर हुए लोहिया को तब सूझा कि रेशम वाला को खामोश रखने के लिए उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। पूछे जाने पर वो उसे कह सकता था कि वो लड़की को कार में बिठा कर शहर वापस लाया था और जहाँ उसने कहा था उसे उतार दिया था। कहाँ उतार दिया था? दादर मेन रोड पर एक रेस्टोरेंट के सामने, जहाँ की वो कहती थी कि उसने अपने किसी फ्रेंड से मिलना था। लेकिन वो तो घर नहीं लौटी। क्या हो गया था आजकल की लड़कियों को, बित्ती भर की लड़की और फ्रेंड के साथ भाग गई? क्यों भाग गई? 4 पैसे जो हाथ में आ गए थे उससे खुश होकर उसने बतौर बोनस उसे 10,000 रुपये जो दे दिए थे। यानी कि हर सवाल का जवाब हाजिर। बढ़िया। अगली शाम को हालचाल जानने के लिए रेशम वाला उसके पास आया तो उसने बड़े सहज भाव से उसे वो कहानी सुना दी जिसका कि उसने कई बार पहले से ही रिहर्सल कर लिया था और रेशम वालों को इतना उम्दा माल मुहैया कराने के लिए शाबाशी भी दे दी। मुतमईन रेशम वाला वापस लौट गया तो लोहिया अपनी कामयाबी पर फूल कर और भी कुप्पा हो गया। लेकिन कामयाबी का वो जोश अगले रोज झाग की तरह बैठ गया जबकि परेशान हाल संजीदा सूरत रेशम वाला इस खबर के साथ फिर उसके पास पहुंच गया कि लड़की घर नहीं लौटी थी और उसके माँ बाप बेहद फिक्रमंद थे। तो क्या करें, वो पुलिस के पास जाने की सोच रहे थे तो सोचा करें, वो रघु अठवले के पास जा भी चुके हैं। वो कौन है? उनका बिरादरी भाई है, ALA है और ढका छुपा दादा है। तो हुआ करे, सेठ हुआ करे, सोचा करे के अलावा आपने और कुछ नहीं कहना? और क्या कहना है,
शायद कुछ कहना हो। नहीं, नहीं कहना। तो लड़की को आपने दादर मेन रोड पर एक रेस्टोरेंट के सामने उतार दिया था, जहाँ की उसने किसी फ्रेंड से मिलना था। हाँ, बोला तो। फिर तो लोहिया सेठ, आप ही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों कर हुआ कि उस लड़की की लाश वर्सोवा बीच पर आपके कॉटेज से कोई 1 किलोमीटर दूर रेत में दफन पाई गई। लोहिया को एकाएक जैसे सांप सूंघ गया। कैसे जाना? लाश बरामद हो गई है। कैसे? एक सैलानी के कुत्ते ने सूंघ ली और पंजे मार मार कर खोद निकाली। पलक झपकते लोहिया का सारा आत्मविश्वास छूमंतर हो गया। वो गैस निकले गुब्बारे की तरह पिचक गया। लाश पुलिस के कब्जे में पहुंच चुकी है। रेशम वाला ने तपते लोहे पर चोट की और वो तफ्तीश कर रहे हैं। क्या जाना उन्होंने? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन जान जाएंगे। कैसे जान जाएंगे? लड़की के माँ बाप मेरा नाम ज़रूर लेंगे, फिर मुझे मजबूरन आपका नाम लेना पड़ेगा। माँ बाप तुम्हारा नाम क्यों लेंगे? उन्होंने तो 1.25 लाख की मोटी रकम ली थी और रांची से लड़की को तुम्हारे साथ भेजा था। हाँ, लालच के हवाले होकर, पैसा कमाने के लिए, कमाते रहने के लिए, ना कि पहली बार में ही बेटी गंवाने के लिए। अब क्या होगा? जैसे कि आप जानते नहीं, आपका तो जो होना है होगा ही। मैं खामखा गेहूं के साथ घुन की तरह पिसूंगा। लोहिया के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। किया क्यों आपने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया, जो हुआ अपने आप ही हो गया। हो गया तो पता चला, अब भुगतिए। रेशम वाला, लड़की के माँ बाप ने उसकी इज्जत का सौदा पैसे के लालच में किया। क्या और पैसा उनका मुंह बंद नहीं कर सकता? उनका भी और पुलिस का भी। आम हालत में कर सकता था लोहिया सेठ, लेकिन अब नहीं कर सकता। रघु अठवले ऐसा नहीं होने देगा। उसे अपनी नेतागिरी चमकाने का ये एक नायाब मौका मिला है, जिसे वो हाथ से नहीं छोड़ने वाला। तो मैं क्या करूं? कुछ बता रेशम वाला, मैं क्या करूं? एक काम है मेरी निगाह में जो आप कर सकते हैं और जो आपको इस दुश्वारी से निजात भी दिला सकता है। कौन सा? कौन सा? इब्राहिम कालिया के पास जाइए। इब्राहिम कालिया? वो कौन है? मेरा एक वाकिफकार है, मैं आपको उससे मिलवा दूंगा। भिंडी बाजार की ट्रेवल एजेंसी की मार्फत लोहिया कालिया तक पहुंचा तो सही, लेकिन तब कालिया के दुबई गया होने की वजह से ऐसा होने में 1 हफ्ता लग गया, जिस दौरान मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गया। लेकिन कालिया ने फिर भी मामले को संभाला। उसने लड़की के माँ बाप को फिट किया, पुलिस को फिट किया और ना फिट होने की जिद पकड़े बैठे रघु अठवले को भी फिट किया। एक रोज उसकी लाश समुद्र में तैरती पाई गई। दुर्घटनावश माहिम क्रीप के पुल से उसकी कार समुद्र में जा गिरी थी और बेचारा नेताजी जल समाधि पा गया था। लिहाजा यूं लोहिया जैसा बड़ा सेठ हत्या, बलात्कार, बाल वैश्यावृत्ति, अव्यसक का शील भंग करने जैसे जघन्य अपराधों से निजात पा गया और हमेशा हमेशा के लिए इब्राहिम कालिया का ऋणी हो गया। वो ऋण चुकाने का मौका उसे अब जेल तोड़कर भागे हुए इब्राहिम कालिया को पनाह देकर और उसकी हर वांछित मदद करके हासिल हो रहा था। कालिया के लिए ये बड़ी सुखद घटना थी कि सेठ ना शुक्रा नहीं निकला था। कालिया की कंपनी का रुख करने से पहले उसने विमल के साथ रुपए पैसे की बाबत मशवरा किया था, तो पाया था कि चैम्बूर में जायदाद वगैरह खरीदने, तुका का गिरवी घर छुड़ाने और इलाज के लिए उसे इंग्लैंड भेजने के बाद कंपनी के लूटे माल में से कोई 5 करोड़ रुपया बाकी था। खुद कालिया के कब्जे में सोने, नकदी और जवाहरात की सूरत में वो ही माल था जो विमल ही उसके लिए स्वैन नेक पॉइंट के कसिनो से लूट कर लाया था और जिसमें से 60 लाख रुपए बतौर विमल की फीस उसने विमल को दिए थे। उस बात को सुनकर विमल को बहुत मायूसी हुई थी, क्योंकि वो तो इब्राहिम कालिया को अकूत दौलत का स्वामी समझे बैठा था और ये भी एक वजह थी जो उसने उसे जेल से निकालने जैसे खतरनाक काम को अंजाम दिया था। इस बाबत कालिया का जो जवाब उसे सुनने को मिला था वो ये था कि उसका और माल पानी जो दुबई और मुंबई के बीच बिखरा हुआ था उस वक्त सईद लाला के कब्जे में था, लेकिन उसको फौरन हासिल कर पाना मुमकिन नहीं था क्योंकि लाला, जो कि उसके खास बुलाने पर भी जेल में उससे मिलने तक नहीं आया था, के तेवर बदले हुए थे और उसके मौजूदा मिजाज का जायजा लिए बिना अगर कालिया उस पर चढ़ दौड़ा तो उसका मुकाम वापस जेल होगा या कब्रिस्तान होगा। विमल के आइंदा अभियान के लिए 10-11 करोड़ रुपए की वो रकम कतई नाकाफी थी जो कि उन दोनों के पास थी। तब शेष नारायण लोहिया ने फिर साबित करके दिखाया था कि वो वाकई कालिया का बहुत बहुत मशकूर था। उसने कालिया को 15 करोड़ रुपया देना कबूल किया
और भुगतान के लिए सिर्फ 24 घंटे की मोहलत मांगी। कालिया ने बार बार उसे आश्वासन दिया कि वो रुपया तो बतौर कर्जा कबूल कर रहा था, लेकिन लोहिया ने उस तरफ कान तक न दिया। यूं 25 करोड़ रुपए की कदरन तसल्ली बख्श रकम से लैस लोहिया की शोफर ड्रिवन मर्सिडीज पर सवार इब्राहिम कालिया कंपनी के उजड़े चमन होटल सी व्यू पहुंचा। गजरी ने उठकर कालिया का इस्तकबाल किया और बड़े गर्म जोशी के साथ उसने हाथ मिलाया। खुशामदीद, वो एक कान से दूसरे कान तक मुस्कुराता हुआ बोला। खुशामदीद बिरादर। शुक्रिया, कालिया भी बड़ी गर्म जोशी से बोला। बैठ। कालिया बड़े इत्मीनान से एक कुर्सी पर ढेर हुआ। गजरी भी वापस अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठ गया। बिलमोरिया ने कालिया के पहलू में एक कुर्सी कब्जाई। उसके दूसरे पहलू में दशरत किलेकर और किशोर पिंगले पहले से विराजमान थे। इनसे वाकिफ है? गजरे के बाद में विशेष रूप से बुलाए अपने दो अहदेदारों की तरफ इशारा किया। या तारुफ कराऊं? वाकिफ हूँ, कालिया सहज भाव से बोला। कैसा है पिंगले? बढ़िया, पिंगले जबरन मुस्कुराता हुआ बोला। तू कैसा है किलेकर? ठीक, किलेकर बोला। अपना बोल। चौखा है इधर भी, चौखा ही होना चाहिए। गले में पट्टा क्यों पहने है? उसी वजह से जिस वजह से पहना जाता है, यानी कि स्पॉन्डिलाइट सर्वाइकल जैसी किसी बीमारी की पकड़ाई में आ गया। दोनों की बदकिस्मती से। पट्टे से आराम मिलता होगा? हाँ, तभी तो पहनना पड़ता है, वरना तो मैं ऐसी वाहियात चीज़ के करीब भी नहीं भटकना चाहता जिसे किसी दूसरे को पहने देख के ही मुझे अलकत आती है। ओह, कालिया सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोला। मनीमन वो इस बात का भरपूर आनंद ले रहा था कि गजरे समेत वो सब के सब उसकी आमद से विचलित थे। आज़ादी मुबारक, गजरे बोला। शुक्रिया, कालिया बोला। क्या ख्याल है, जश्न हो जाए तेरी आज़ादी का शैंपेन खोलकर? नहीं, अभी नहीं, वो फिर कभी, जब हम कदरन और करीब आ जाएंगे। फिर कभी क्यों? तू अभी आके मेरी गोद में बैठ जा, गजरे ने जोर से अट्टहास किया। या इससे भी ज़्यादा करीब आना चाहता है? कालिया ने बड़े शिष्ट भाव से हंसी में उसका साथ दिया। अब बोल, क्या खिदमत करें हम तेरी, क्या पेश करें हम अपने मुआजिज मेहमान को? तो खुद ही बता। किसी खास खिदमत की ज़रूरत नहीं, फिर भी इसरार है तो एक एक छटांक काले कुत्ते से चीयर्स बोल लेते हैं। ठीक है, गजरे ने अपने विशाल एग्जीक्यूटिव डेस्क के ही एक पहलू में बनी अपनी लिकर कैबिनेट खोली और ब्लैक डॉग की नई बोतल निकाल कर 5 पैक बनाए। पाँचों ने चीयर्स बोला। अब तो हमारा सस्पेंस दूर कर कालिया, फिर गजरे कदरन संजीदा लहजे से बोला, इधर कैसे आया? नहीं, पहले ये बता, बाहर कैसे निकला? मेहरबानों से निकला, कालिया बोला। कौन मेहरबान? सईद लाला? वैसा ही कोई और। कौन? तुम लोग नहीं जानते उसे, नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इधर मुंबई में ही उसे कोई नहीं जानता। क्यों? वो दुबई से है, उधर ही ऑपरेट करता है, उधर से ही मेरा दोस्त और खैर ख्वाह है। फिर भी नाम तो बोल, समझ लो कि काला चोर। मजाक मत कर कालिया, उसका नाम अमर अजीज है, डायमंड स्मगलर है, कंपनी इस धंधे में नहीं, इसलिए बोला उसे कोई नहीं जानता। 13 महीने क्यों लगाए उसने तेरे को बाहर निकालने में? दोस्ती और खैर ख्वाही इतने लंबे इंतज़ार के बाद किस लिए? वजह थी, पहले तो उसे मेरे अंजाम की खबर ही नहीं लगी थी। खबर लगी थी तो तब तक मैं पूना जेल के मैक्सिमम सिक्योरिटी वार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जहाँ से कि मुझे बाहर निकालना नामुमकिन था। भट्टी के साथ उसने ऐसी कोशिश करके देख ली थी जो कि नाकाम रही थी, और नतीजतन बेचारा भट्टी मारा गया था। और मुझे और अमर अजीज दोनों को सबक मिल गया था कि पूना जेल से मेरी रिहाई नामुमकिन थी। अब ये इत्तेफाक ही है कि मेरी रिहाई वाले हालात 13 महीने में पैदा हुए। अलबत्ता शुक्र है पाक परवरदिगार का कि हालात 13 महीने में तो पैदा हुए। हो सकता था कि वो और भी देर से पैदा होते, हो सकता था कि वो कभी भी न पैदा होते। हालात क्या थे, क्या हुआ था? मैं सख्त बीमार पड़ गया था, जिसकी वजह से मुझे जेल से बाहर तिलक अस्पताल ले जाया जाना पड़ा था, जहाँ से कि आखिरकार मेरी रिहाई का सामान हुआ था। ऐसा बीमार तो पहले पड़ जाता तो पहले रिहा हो गया होता। अमर अजीज ने जो कुछ अस्पताल में कर दिखाया उसकी रूह में तो मैं यही कह सकता हूँ कि हाँ, तो पहले पड़ जाना था ऐसा सख्त बीमार। बीमारी पर मेरा जोर होता तो पढ़ ही जाता। हुआ क्या था? कोई पेट की अलामत हुई थी, जानलेवा मर हो गया था, अल्लाह ने बचाया। गजरे ने बारी बारी
अपने अहदेदारों की तरफ देखा। सबने हौले से सहमति में सिर हिलाया, फिर गजरे का भी सिर सहमति में हिला। कालिया उस खामोश ड्रामे से बेखबर नहीं था। प्रत्यक्षता उसकी जेल से निकासी की बाबत उसकी कहानी उन्हें हजम हो गई थी। उसने सिगरेट होल्डर में नया सिगरेट लगाकर सुलगाया। गजरे ने अपना सिगारों का डिब्बा अपने अहदेदारों की तरफ सरकाया और खुद अपने पहले से सुलगे सिगार का लंबा कश खींचा। किलेकर ने अपना 555 का पैकेट निकाला तो बिलमोरिया और पिंगले ने भी सिगार के मुकाबले में सिगरेट को ही तरजीह दी। तीनों ने एक एक सिगरेट सुलगा लिया। यहाँ क्यों आया? एकाएक गजरे बोला। माकूल सवाल है, कालिया बोला। सुनो जवाब, तुम लोग इस बात से बेखबर नहीं हो सकते कि अपने वक्त के हाकिम और कंपनी के नंबर वन तुम्हारे आका इकबाल सिंह ने कभी मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जिसको थाम पाने से पहले ही खीर में मक्की की तरह सोहल आ टपका था और सब चौपट हो गया था। गजरे, जो जज्बा कभी इकबाल सिंह की वजह से मेरे दिल में पनपा था, वो आज भी बरकरार है। तू आज भी कंपनी से सुलह का ख्वाहिशमंद है? इसी में हम दोनों की भलाई है, वरना तो वो तीसरा सोहल आकर बिल्ली की तरह हम दोनों के बीच में बैठ जाएगा और ऐसी बंदर बांट मचाएगा जिसमें न तेरे हाथ कुछ आएगा और न मेरे हाथ कुछ आएगा। सब कुछ वो बिलोटा सोहल ही लूट के ले जाएगा। दोस्ती बराबरी में होती है, मुझे मालूम है। तू अभी जेल से छूटा पंछी, जो कि अभी फिर गिरफ्तार हो सकता है, खुद को कंपनी के बराबर समझता है? हाँ, कालिया का स्वर एकाएक शुष्क हो उठा। गजरे, हालात बदले हैं, कंपनी का निजाम बदला है। इकबाल सिंह की जगह कंपनी में आज तू गद्दी नशीन है, लेकिन कालिया नहीं बदला, उसकी सलाहियत नहीं बदली। 13 महीने की जेल बंदी से उसके इकबाल का सितारा गुरूब नहीं हो गया। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन तू कहलवा रहा है, इसलिए कहता हूँ कि आज भी मैं वही कालिया हूँ जिसने कभी पूरी कामयाबी से कंपनी की आंख में डंडा किया हुआ था। सबूत के तौर पर और कुछ नहीं तो जाके अपना वो उजड़ा हुआ जजीरा देख ले, जो कभी आबाद था तो स्वैन नेक पॉइंट के नाम से इंग्लैंड अमेरिका तक जाना जाता था। गजरे तिलमिलाया। कालिया में कोई खूबी ही थी जो इकबाल सिंह सुलह की ख्वाहिश के साथ दौड़ा हुआ उसके पास आया था। तो ये समझ ले कि आज तारीख अपने आप को दोहरा रही है। जैसे कभी जिस मंशा के साथ इकबाल सिंह मेरे पास आया था, वैसे ही आज उसी मंशा के साथ मैं यहाँ आया हूँ। इकबाल सिंह ताजा ताजा जेल से फरार हुआ कैदी नहीं था, वो इश्तिहारी मुजरिम नहीं था, उसकी गिरफ्तारी पर कोई सरकारी इनाम नहीं था, जबकि ये तमाम बदनुमा दाग तेरी सूरत पर चस्पा है और हमारे सामने नुमाया है। तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि हम तेरा ऐसा बुरा कर सकते हैं जो कि तू इकबाल सिंह का नहीं कर सकता था। कालिया, इस घड़ी तू हमारे कब्जे में है, हम तुझे गिरफ्तार करा सकते हैं। जैसे मैं इस हकीकत से वाकिफ नहीं, कालिया व्यंगपूर्ण स्वर में बोला, जैसा मैं तो निरा काट का उल्लू हूँ जो ये जानते बूझते यहाँ चला आया, जैसे ख्वाहिशमंद हूँ मैं खुदकुशी का। गजरे हड़बड़ाया, उसने उलझनपूर्ण भाव से बिलमोरिया की तरफ देखा। और फिर ये क्यों कहता है कि मुझे गिरफ्तार करा सकता है? ये क्यों नहीं कहता कि हाथ आए मौके का फायदा उठाकर तू यही मेरा फतीहा पढ़ सकता है? इस घड़ी मैं तेरे हवाले हूँ, तू मुझे चींटी की तरह मसल सकता है, फिर भी गिरफ्तार करा देने की टुच्ची धमकी देता है। गिरफ्तारी की बात तो फिर रिहाई मुमकिन होती है, लेकिन अल्लाह के घर अरसाल हुआ शख्स क्या कभी लौटा है? तू बड़ा काम क्यों नहीं करता? क्यों नहीं अभी मुझे ठौर मार गिराता? तुम चार हो, मैं अकेला हूँ, क्या वांदा है? गजरे ने बेचैनी से पहलू बदला। कालिया का उस वक्त का व्यवहार उसकी समझ से परे था। अकड़ फूं उससे अच्छी होती है जो हकीकत ना जानता हो, कालिया पूर्वता दबंग स्वर में बोला। दाई से पेट छुपाने का कोई फायदा नहीं होता गजरे। गजविलास फोर्ट में कंपनी का क्या कारोबार चलता था उससे मैं बेखबर नहीं। वो कारोबार आजकल ठप है और जल्दी शुरू भी नहीं होने वाला, इससे मैं भी बेखबर नहीं। रशीद पावले और भाई सावंत के अंजाम से तो कोई भी बेखबर नहीं। कौन नहीं जानता कि कंपनी के दो अहदेदारों को मारकर कैसे सोहल ने तुम सब बाकी बचे मेहनतों के मुंह पर थूका है। उसने साबित करके दिखाया है कि उसका अल्टीमेटम कोई खोखली धमकी नहीं थी। वो दो को मार सकता है तो बाकी चार को भी मार सकता है। क्यों भाई, गोद में बैठ के दाढ़ी मूंढ रहा है? हमारे सामने ही कंपनी के दुश्मन की तारीफ कर रहा है? तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो मेरा भी दुश्मन है
उसी कमीने की वजह से मुझे 13 महीने जेल में काटने पड़े थे और एक ही आदमी के दो दुश्मन दोस्त होते हैं। मुझे हैरानी है कि तबाही के कगार पर खड़ी कंपनी का मौजूदा बादशाह, महान बखिया का नालायक, नामकूल, मगरूर वलीअहद, जिसकी अपनी पूंछ टांगों में दबी हुई है, मुझे मेरे बुरे अंजाम की धमकी देता है, कहता है कि मुझे गिरफ्तार करा देगा। गजरे का चेहरा सुर्ख होने लगा। बिलमोरिया ने आशंकित भाव से एक निगाह उस पर डाली और जल्दी से बोला, गजरे साहब, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। क्या? गजरे भन्नाया, यही कि कालिया की आमद से पहले हमारे बीच एक बड़े अहम मुद्दे पर बात हो रही थी। आप किसी से यूं कुछ लेने की सोच रहे थे, जैसे उसे कुछ देकर उस पर मेहरबान हो रहे हों। गजरे का सिर सहमति में हिला। धीरे धीरे उसके चेहरे की सुर्ख रंगत गायब होने लगी, उसकी तनी हुई प्रकृति नॉर्मल होने लगी। गजरे बोला, कालिया, अरे गिलास खाली कर मेरे भाई, क्या एक ही जाम से चिपका रहेगा? तेरे तेवर देखकर तो मुझे लग रहा है कि मैंने ये जाम कबूल करके भी गलती की, कालिया बोला, जिसको सामने बिठाकर उसके साथ चीयर्स बोलते हैं, जिसको आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं, उसको उसके किसी बुरे अंजाम की धमकी नहीं देते। गजरे, तुझे भी तो हड़काने वाली बातें नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा है तो मैं तेरा खतावार। कोई वांदा नहीं मियाँ, कोई वांदा नहीं। उस घड़ी वो दोनों ही एक दूसरे के साथ नरम गरम का खेल खेल रहे थे और हर एक समझता था कि दूसरे को उसके खेल की खबर नहीं थी। तो, कालिया बोला, अब क्या कहता है कंपनी का बादशाह? कालिया, गजरे बोला, कंपनी का नारकोटिक्स का धंधा उसके कई धंधों में से एक है, जबकि तेरा ये वाहिद धंधा है जिसका कि तू बहुत बड़ा सूरमा बताया जाता है। इन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए इकबाल सिंह से तेरी सुलह की बातचीत क्यों कर मुमकिन हुई थी? तब हमारे में ये फैसला हुआ था कि हम इलाके बांट लेंगे ताकि आपसे टकराव की नौबत ना आए। तुझे इस बात से ना इत्तफाकी नहीं होगी कि आपसे टकराव से भला कभी किसी का नहीं हुआ, हमेशा नुकसान हुआ है, जान का भी और माल का भी। फायदा कभी किसी को हुआ है तो या पुलिस को या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। पुलिस को केस पकड़ने की या कोई स्मगलर मार गिराने की वाहवाही मिल जाती है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कभी मेरा तो कभी कंपनी का माल हथिया लेता है। हालात तो अब भी यही हैं, बाकी दुनिया के लिए, कंपनी के लिए नहीं। क्या मतलब? मतलब तुझे मालूम है कंपनी के हालात में जो हालिया इनकलाबी तब्दीलियां आई हैं उनकी रूह में इलाके बांट लेने वाले समझौते से मुझे तो शायद कोई फ़ायदा पहुँच जाए, कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला। क्यों? वजह भी तुझे मालूम है। आज की तारीख में कंपनी के हीरोइन के अपने सोर्स पर ताला पड़ा हुआ है और ये ताला बहुत लंबे अरसे तक खुलता भी दिखाई नहीं देता। तुम लोगों ने हीरोइन से 4 पैसे कमाने हैं तो तुम्हें इसके लिए सिंगापुर, पुर्तगाल के वो ही रूट टटोलने पड़ेंगे। गजविलास फोर्ट में हीरोइन की प्रोडक्शन शुरू करने के बाद से जिन्हें तुम लोग नज़रअंदाज करते आए हो, यूँ तुम लोग नारकोटिक्स के धंधे से वो मुनाफा नहीं कमा सकते जिसे कि असली चांदी काटना माना जाता है। इसके खिलाफ इंटरनेशनल मार्केट से हीरोइन की खरीद के जो मेरे जरिए हैं और जिनकी न तुम्हें खबर है और न आइंदा फौरी कोशिशों से लग सकती है, वो इतने कारगर हैं कि हीरोइन खुद बनाकर उसे बेचना और उन जरियों से हीरोइन हासिल करके उसे बेचना मुनाफे के लिहाज से एक बराबर है। तेरे क्या जरिए हैं? जाहिर है कि जो कंपनी के नहीं हैं। गुस्ताखी की माफ़ी के साथ बोलता हूँ गजरे, कि इस धंधे की जो सूझबूझ बखिया में थी वो इकबाल सिंह में तो कतई नहीं थी। अलबत्ता तेरे में इकबाल सिंह से ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन बखिया की सूझबूझ के सामने वो भी कुछ नहीं। बखिया के वक्त नारकोटिक स्मगलिंग का फोकस सिंगापुर और पुर्तगाल पर था, जो कि तब, मैं फिर कहता हूँ, तब किन्हीं खास वजूहात से मुफीद था, जबकि हकीकतन इंटरनेशनल फोकस तब भी गोल्डन ट्रायंगल पर था। तेरा मतलब थाईलैंड, लाओस और बर्मा से है? हाँ, लेकिन अब गोल्डन ट्रायंगल पर भी एक गोल्डन क्रिसेंट हावी है। गोल्डन क्रिसेंट यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। आज की तारीख में एशिया में अफीम, मॉर्फिन और हीरोइन की प्रोडक्शन का मेजर सेंटर अफगानिस्तान है और पाकिस्तान, बजरिया ईरान, तुर्की और कंटिनेंटल यूरोप इस माल की निकासी का मेजर रूट बन गया है। इत्तफाक से हिंदुस्तान की पोजीशन ऐसी है कि वो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बीच में पड़ता है। गजरे, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश
कंपनी ने कभी नहीं की, जबकि नारकोटिक्स ट्रेड में तुम लोग सबसे पहले से हो, सबसे ज़्यादा मजबूत माने जाते हो। की होती तो माल के लिए न तो तुम पुर्तगाल सिंगापुर का मुंह देख रहे होते और न ही गजविलास फोर्ट में अपनी हीरोइन बनाने का खतरनाक खेल खेल रहे होते। ये तमाम बातें, गजरे हैरानी से बोला, उस शख्स को मालूम है जो 13 महीने से जेल में था, लेकिन जो जानता था कि वो जेल में ही बैठा नहीं रहने वाला था। इब्राहिम कालिया जेल में एड़ियां रगड़ते मरने के लिए पैदा नहीं हुआ था। अब इतना ज़्यादा भी ऊंचा मत उड़, कालिया हंसा। जिसे तू गोल्डन क्रिसेंट कहता है, बिलमोरिया बोला, उसे हम भी तो अपनी सप्लाई का जरिया बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कर सकते हो, कालिया बोला, लेकिन दो खामियों के साथ। एक तो अभी कोशिश ही कर सकोगे, जो कि कामयाब होते होते होगी। स्मगलिंग के धंधे में, खास तौर से नारकोटिक स्मगलिंग के धंधे में, भरोसे के जरिए कोई ओवरनाइट नहीं बन जाते। किसी ऐरे गैरे से मत्था जोड़ोगे तो हेरोइन की जगह पिसी हुई चीनी ही पाओगे, जो कि 15 रुपये किलो में भी महंगी होगी। तेरे जरिए हैं भरोसे के, गजरे बोला। ये भी कोई कहने की बात है, कालिया बोला, तभी तो मैं यहाँ हूँ। गजरे, अपने वो जरिए मैं कंपनी के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। किन शर्तों पर? जाहिर है कि बराबरी की शर्तों पर, 50-50 बेसिस पर। लागत 50-50, मुनाफा 50-50। लागत? बिल्कुल, लागत इन्वेस्टमेंट तो अहम मसला है। इंटरनेशनल मार्केट में हीरोइन का व्यापार क्या क्रेडिट पर होता है? होता है तो मेरे वाले जरियों में नहीं होता। मेरा मतलब था कितनी लागत, कितनी इन्वेस्टमेंट जरूरी होगी, जितनी भी कंपनी करना अफोर्ड कर सके। यानी कि ऐसी कोई भी रकम तू लगा सकता है जो कि कंपनी लगा सकती है। हाँ, इतना खुश वहम न बन कालिया, और ये न भूल कि पिछले 13 महीनों में 13 गैंग बिखर चुका है और 13 धंधा ठप है। अब जब मैं बाहर आ गया हूँ तो बिखरा गैंग फिर जुड़ जाएगा, और अल्लाह की इनायत रही तो धंधा भी फिर चमक जाएगा। वो सब होते होते होगा। इस वक्त बहस का मुद्दा वो है जिसको होते होते होने का इंतज़ार नहीं। मेरा सवाल ये था कि आज की तारीख में, अपने आज के मौजूदा हालत में, क्या तू कंपनी की बराबरी की कोई भी रकम खड़ा कर सकता है, भले ही वो कितनी बड़ी हो? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकता मैं। यही मेरा मतलब था, यही मेरा अंदाजा था, और यही मैं तेरी जुबानी सुनना चाहता था। रकम के मामले में तू अपनी लिमिट बोल, तुम रखो कोई पेशकश रकम की, कालिया चैलेंज भरे स्वर में बोला। हमारी पेशकश तेरी लिमिट से बहुत ऊंची हो सकती है मेरे भाई, इसलिए तू ही बोल कोई रकम। कालिया कुछ क्षण सोचता रहा और फिर धीरे से बोला, 25 करोड़। क्या बोला? मैंने ठीक से सुना नहीं, 25 बोला कि 50 बोला? तो 50। बिलमोरिया के मुंह से बेसाख्ता सीटी निकल गई। पिंगले और किलेकर मुंह बाए कालिया की तरफ देखने लगे। अभी कल जेल से छूटा है तू, गजरे अविश्वासपूर्ण स्वर में बोला। हीरोइन के सांझे धंधे के लिए इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट कर सकता है? हाँ। नगद? एकमुश्त? हाँ। यकीन नहीं आता, रकम का 1-1 रुपया गिन के सामने रखूँगा। अब अपनी बोलो। अपनी क्या बोले? 50 करोड़ तुम लगाओगे? जाहिर है। नगद? एकमुश्त? जाहिर है। हम क्या तेरे भी काबिल नहीं? हीरोइन किस भाव मिलेगी? बिलमोरिया बोला। $50,000 की 1 किलो, 99% प्योर अनकट नंबर 4 हीरोइन, जो कि इंडियन मार्केट में 1 करोड़ रुपए किलो का भाव देगी। $50,000, गजरे बोला। रुपयों में कितने हुए? 17.5 लाख, किलेकर बोला। डिलीवरी कहाँ मिलेगी? गजरे बोला। जहाँ हम चाहेंगे, कालिया बोला। सहूलियत की जगह दुबई और नेपाल हैं। हमें नेपाल को चुनना होगा। क्यों? क्योंकि पैसा वहाँ होगा। नेपाल में? हाँ। वजह? वो सहूलियत की जगह है। पैसा रखने का वहाँ एक ऐसा जरिया है जो दुनिया में या स्विट्ज़रलैंड में है, और या अब नेपाल में है। मैं समझा नहीं। काठमांडू में स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिश स्टेट बैंक की ब्रांच है, जो एन उसी तरीके से चलती है जिसके लिए कि स्विस बैंकिंग मशहूर है। वहाँ अकाउंट नाम से नहीं, नंबर से होते हैं, जो कि 100% सीक्रेट रखे जाते हैं। यानी कि वहाँ अकाउंट होल्डर को नाम से नहीं, नंबर से जाना जाता है, और वो नंबर या तो अकाउंट होल्डर को पता होता है, और या बैंक के किसी उच्च अधिकारी को। फ़ायदा? एक नहीं, कई हैं। मसलन उस बैंक की वजह से हमें बड़ी बड़ी रकमें खुद मूव करने का रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। हमारा 100 करोड़ रुपया भी
मुंबई से काठमांडू पहुंचने का जिम्मा बैंक खुद लेगा। यहां रकम किसके हवाले की जाएगी? यूरोपियन ट्रेड सेंटर नाम के एक संस्थान के, जो कि काठमांडू के बैंक की लोकल क्लियरिंग एजेंसी की हैसियत रखता है। यहां बेईमानी नहीं हो सकती? कैसी बेईमानी? जैसे जहां जमा कराया रुपया आगे काठमांडू पहुंचे ही नहीं। ऐसा नहीं होता गजरे, ऐसा नहीं हो सकता। ये स्विस बैंकिंग सिस्टम इसी तरीके से सारी दुनिया में चलता है और यूं ही ऐसी अरबों खरबों की रकमें दुनिया के हर कोने से स्विस बैंकों में ट्रांसफ़र कराई जाती हैं, जिसके आगे हमारी 100 करोड़ की कोई पिसात ही नहीं है। फिर भी क्या? फिर भी ऐसे तो तुम कहोगे कि आगे काठमांडू में भी बेईमानी हो सकती है। गजरे, ये सारी दुनिया का आजमाया परखा हुआ बैंकिंग सिस्टम है। अगर तेरा इस पर विश्वास नहीं बैठता तो फिर तो ये कहानी यहीं खत्म है। ये ठीक कह रहा है, पिंगले बोला। यहाँ रोकड़ा जमा कराने के बाद गजरे फिर भी पूर्वता ढेर स्वर में बोला, अगर एकाएक मेरा इरादा बदल जाए और मैं रोकड़े के काठमांडू ट्रांसफ़र हो जाने से पहले अपना रोकड़ा वापस हासिल करना चाहूँ तो? नहीं मिलेगा, कालिया बोला। एक बार रुपया यहाँ ट्रेड सेंटर के हवाले हो जाने के बाद उसकी बाबत जो भी आइंदा कार्रवाई होगी वो काठमांडू में अकाउंट खुल जाने के बाद होगी। भले ही हम अकाउंट खुलते ही सारा पैसा वापस निकाल लें? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तब रकम में से सर्विस एंड हैंडलिंग चार्जेज की मद में इशारिया 1% की कटौती होगी। क्या 1%? रकम में बोल कितनी कटौती होगी? 10 लाख की। अलबत्ता ऐसा तभी होगा जबकि अकाउंट खोलते ही 1 हफ्ते में बंद कर दिए जाएं। कोई एक रकम या कई रकमें ट्रांसफ़र करते रहने से ऐसा नहीं होगा। गजरे, इतने सवाल अगर ये भांपने की गरज से पूछ रहा है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को धोखा दे सकता है या नहीं, तो मेरा जवाब है कि दे सकता है, लेकिन ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। ऐसा करना पेड़ को फल लगने से पहले फल खाने की कोशिश होगी। आज की तारीख में नार्कोटिक ट्रेड से तरीके से 4 पैसे कमाना तेरे लिए भी अहम है और मेरे लिए भी। इतनी सिर खपाई जो हम आपस में कर रहे हैं उसका असल मकसद यही है कि एक हाथ दूसरे हाथ को धोए। इसलिए अभी ये धोखाधड़ी और बेईमानी जैसी कोई टुच्ची बात सोचने लगना? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, गजरे हड़बड़ाकर बोला। असल में वो ऐन वैसा ही सोच रहा था। तू समझता है कि मैं ऐसा सोच रहा था, तो ये तेरी खामा ख्याली है। गजरे, यूँ हमारी जुगलबंदी से उगा पेड़ तेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा फल दे सकता है। मैं समझता हूँ, तू आगे बढ़। मैं कहाँ था? बात रोकड़े की मूवमेंट की हो रही थी, बिलमोरिया बोला, जिसका सारा जिम्मा तू बोला कि बैंक खुद लेगा। हाँ, लेकिन खाता खोलने के लिए कम से कम एक बार हमारा बैंक जाना ज़रूरी होगा। पेचीदा तरीका है, गजरे बोला, लेकिन सहूलियत का, कालिया बोला। गजरे, 100 करोड़ की एक मुश्त रकम यहाँ किसी बैंक में रखने का हम ख्याल तक नहीं कर सकते। लेकिन बैंक अकाउंट की ज़रूरत क्या है? गजरे झल्लाया, फिर पहुँच गया वही पुरानी जगह पर। और क्या इतना पैसा हम किसी सांची गुल्लक में डालेंगे? तुझे हम पर बेएतबारी है? क्या मतलब हुआ इस फिक्रे का? ये कि मैं 50 करोड़ रुपया कंपनी के पास जमा करा दूँ? क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है, तो इसके उलट मैं भी जाहिर है कि कोई हर्ज नहीं होगा। क्या मतलब? तुम लोग 50 करोड़ रुपया मेरे पास जमा करा दो, तू पकड़ा गया और फिर जेल में पहुंच गया तो? सोहन ने तुम सबको मारकर कंपनी का वजूद ही मिटा दिया तो? गजरे फिर तिलमिलाया, अकाउंट ही होना चाहिए, बिलमोरिया जल्दी से बोला। इतनी बड़ी रकम का सेफ अकाउंट अगर नेपाल में ही मुमकिन है तो वहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहता है, गजरे बोला, कि अकाउंट खोलने के लिए नेपाल जाना ज़रूरी है। मैं नेपाल नहीं जा सकता, मौजूदा हालत में हम में से कोई नेपाल नहीं जा सकता। क्यों? कालिया व्यंगपूर्ण स्वर में बोला, गब्बर आ जाएगा। क्या पकता है? लगता है सोहल के अल्टीमेटम की दहशत कुछ ज़्यादा ही तुम लोगों के दिलो दिमाग पर हावी है। गजरे ने कोई सख्त बात करने के लिए मुंह खोला, लेकिन बिलमोरिया पहले ही बोल पड़ा, गजरे साहब, वो हमारी प्रॉब्लम है और उसका कोई हल भी हम ही निकालेंगे। बहरहाल कालिया की पेशकश हमें कबूल करनी चाहिए। कर लेते हैं, गजरे बड़ी दयानतदारी से बोला, इसकी खातिर कर लेते हैं, ये भी क्या याद करेगा? गुड, कालिया ने चैन की सांस ली। रकम का फौरन इंतज़ाम है तेरे पास? फौरन नहीं है, लेकिन हो जाएगा, फौरन जैसा ही हो जाएगा, मैं खबर कर दूंगा। अब मुंबई में तेरा ठिया ठिकाना कहाँ है?
अभी कोई पक्का ठिया ठिकाना नहीं है, अभी पुलिस की हलचल भारी है, इसलिए मेरे लिए ठिकाना शिफ्ट करते रहना ज़रूरी है। कोई पक्का ठिकाना हो जाएगा तो खबर कर दूंगा। ऐसा होने से पहले हमने तेरे से कोई बात करनी हुई तो हम तुझे कहाँ ढूंढेंगे? भिंडी बाजार की ट्रेवल एजेंसी की तुम लोगों को खबर है, वहाँ मेरे लिए फ़ोन लगाना, 5 मिनट में मेरी कॉल तुम्हारे पास पहुँच जाएगी। जब पकड़े जाने का इतना खतरा महसूस करता है तो नेपाल कैसे जाएगा? है एक तरीका। क्या? हम भी तो सुने। मेरे लिए दुबई जाना बच्चों का खेल है, दुबई से काठमांडू का प्लेन टिकट कटा लेने में क्या वांधा है? ठीक है, गिलास खाली कर, ताकि नए जाम के साथ पार्टनरशिप की मोहर बंद किया जाए। 50 करोड़? विमल विचलित भाव से बोला। बात तो 25 की हुई थी। मैं 25 ही बोला था, कालिया खेदपूर्ण स्वर में बोला, लेकिन वहाँ हालात ऐसा पैदा हो गए कि बड़ी रकम मुझे बतौर चैलेंज कबूल करनी पड़ी। 25 की 50, गजरे ने मेरे से यूँ पूछा कि तब मुझे लगने लगा कि 25 के लिए हाँ बोलने में मेरी हेठी हो जाएगी, तेरी भी, हमारी कमतरी उजागर हो जाएगी। बहुत बड़ा बोल बोलाया मियाँ, अब इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो ही तो कहता था कि उनकी अंटी ज़्यादा से ज़्यादा ढीली करानी थी। अपनी अंटी की मौजूदा औकात को भुलाए बिना खतावार हूँ बिरादर, मैं जोश में आ गया, लेकिन अभी भी क्या वांदा है। मैं अब गजरे को फ़ोन कर देता हूँ कि मैं 25 करोड़ से ज़्यादा बड़ी रकम का इंतज़ाम नहीं कर सकता। वैसे 50 करोड़ की पेशकश हमारे लिए ज़्यादा मुफीद है। जो माली दबाव मैं कंपनी पर बनाना चाहता हूँ वो ज़्यादा चौकी रकम से ज़्यादा चौखा बन सकता है, लेकिन अब खड़े पैर 25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम का इंतज़ाम कैसे हो? कैसे हो? लोहिया से तो हो नहीं सकता। 15 करोड़ की उसकी पेशकश तो उसके घड़े की आखिरी बूंद थी। उसके पास ज़्यादा रोकड़ा होता तो वो पहले ही ज़्यादा की पेशकश कर देता। इस मामले में वो मेरे से भेद भरी बात नहीं कर सकता। तो फिर कैसे हो? तू ही बता। विमल कुछ क्षण सोचता रहा और फिर आशापूर्ण स्वर में बोला, कंपनी से। कंपनी से? कंपनी से कैसे? कंपनी रोकड़ा उधार देने का कारोबार करती है, मालूम? मालूम, लेकिन भूल गया था, जहन से उतर गई थी ये बात। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, लेकिन बिरादर रकम का वजन से देख, इतनी बड़ी रकम वो किसी ऐरे गेरे को तो नहीं थमा देने वाली। ऊपर से रकम वजनी होने की वजह से ही वो ज़रूरत जाहिर करने वाले की औकात भी परखना चाहेंगे और उसकी ज़रूरत की वजह भी जानना चाहेंगे। औकात किसी खातिर में लाने लायक न हुई और वजह माकूल न हुई तो जाहिर है कि धत्ता बता देंगे। जाहिर है कालिया, यहाँ भी तेरा मोहसिन, तेरा मेहरबान, तेरा एहसान मंद ही हमारी मदद कर सकता है। लोहिया? हाँ, उसी के पास इन सवालों का फिट जवाब हो सकता है। वो कोई ऐरा गैरा भी नहीं जिसे कि धत्ता बताया जा सके। वो बड़ा उद्योगपति है, इसलिए कर्जे की ज़रूरत की कोई माकूल वजह भी बयान कर सकता है और उसके रकम लौटाने की औकात भी है। तेरा मतलब है? कालिया संदिग्ध भाव से बोला, वो जाके कंपनी से 25 करोड़ का कर्जा मांगे? हाँ बिरादर, कालिया चिंतित भाव से बोला, किसी की नवाजिश को ये बड़ा लंबा घसीटने वाली बात होगी, उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ने वाली बात होगी। ये होगी, लेकिन मजबूरी है, इस वक्त हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा ये खेल उसके लिए दुश्वारी नहीं बनेगा, इसकी गारंटी मैं करता हूँ। तू करता है? हाँ, तू ऐसा कर, तू मुझे साथ लेके चल, मैं बात करता हूँ लोहिया से। तेरा जाना ठीक होगा? क्या मतलब? उसने तुझे पहचान लिया तो? तो क्या, तू स्मगलर, मैं डकैत, वो हत्यारा, खूब गुजरेगी, जो मिल बैठेंगे श्याने तीन। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।